नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सैनल प्रताप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी कोई नया क्रिएटर यूट्यूब पर अपना चैनल बनाता है या नया नया यूट्यूब को ज्वाइन करता है, तो उसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कॉपीराइट क्लेम की और कॉपीराइट स्ट्राइक की। उनको कुछ पता नहीं होता है शुरू शुरू में, वो धीरे धीरे सीखते हैं। सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, जो यूट्यूब पर नए नए आए हैं उनको कन्फ्यूजन है कि यूट्यूब क्लेम आने से या यूट्यूब स्ट्राइक आने से क्या हो सकता है या कैसे आती है, आपके चैनल पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉपीराइट क्लेम की। दोस्तों, इसको भी हम दो तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका चैनल नया है और आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है और आपके चैनल पर बार बार कॉपीराइट क्लेम आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी वीडियो को सुधारिए। उसमें देखें कुछ भी ऐसा ना हो जो किसी और के कंटेंट से मैच खाता हो या यूट्यूब पर पहले भी पड़ा हो, चाहे वो कोई म्यूजिक हो, चाहे कोई सीन हो। उसकी कुछ पॉलिसीज हैं, उनकी हम किसी वीडियो में अलग बात करेंगे। लेकिन सीधा हम बात करते हैं कि अगर कॉपीराइट क्लेम आता है तो इससे आपके चैनल पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, आपके चैनल पर बार बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहे हैं, आप रोज़ वीडियो डाल रहे हैं, कुछ इसमें कंटेंट किसी और का कॉपी करके डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत कॉपीराइट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी आता रहे कॉपीराइट अपना, जो कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन दोस्तों, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और तब आपको कॉपीराइट क्लेम मिलता है, तो दोस्तों तब आपके चैनल पर उस चीज़ का असर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो भी नया क्रिएटर यूट्यूब पर आ रहा है वो किस लिए आ रहा है? अपना चैनल मोनेटाइज कराकर थोड़ा बहुत इनकम करने के लिए यूट्यूब पर आ रहा है, अपना कंटेंट बनाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो जो आपका जो मोनेटाइजेशन का जो स्टेटस है वो येलो डॉलर में हो जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपकी वीडियो पर जो भी कुछ इनकम बनेगी, जो भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू बनेगा, जिसका वो ओरिजिनल कंटेंट है, वो उसको चला जाएगा, आपको उस वीडियो का कुछ भी नहीं मिलेगा। हालांकि आपके चैनल पर इस चीज़ से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपकी जो इनकम है वो आपको नहीं मिलेगी। जिसने उस आपकी वीडियो पर कॉपीराइट का क्लेम किया है वो उसको चली जाएगी। तो चैनल की हेल्थ पर तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, पहला टॉपिक यही था कि कॉपीराइट क्लेम आने से आपके चैनल पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपका रिवेन्यू आपको नहीं मिलेगा, अगर मोनेटाइज नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका वॉच टाइम तो काउंट भी होगा और आपका जो अपना सब्सक्राइबर है वो भी सब काउंट होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपने कुछ अपने वीडियो में कुछ बड़ा कंटेंट किसी कॉपी करके डाल दिया है और आपको उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गई है। दोस्तों, अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है तो आपकी वीडियो तुरंत से डिलीट हो जाएगी यूट्यूब से। अब बात करें कि स्ट्राइक होती क्या है, कैसे मिलती है। दोस्तों, अगर आप किसी की कंटेंट कॉपी करके अपने चैनल पर डाल देते हैं, तो जिसका वो ओरिजिनल कंटेंट है वो स्ट्राइक डालता है, लीगली क्लेम करता है कि ये वीडियो मेरी है और इसने इसको गलत डाला है, YouTube उसको तुरंत रिव्यू में करेगा और वीडियो को तुरंत से टेक डाउन कर देगा। यानी कि जो वीडियो YouTube पर डली हुई है वो आपके चैनल से डिलीट हो जाएगी और वो किसी को भी दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों, कॉपीराइट क्लेम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्ट्राइक आ जाएगी तो उस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि अगर आपको 3 महीने यानी कि 90 डेज में लगातार 3 स्ट्राइक मिल गई हैं, एक वीडियो पर एक ही स्ट्राइक मिलती है, अगर आपने 10-20 वीडियो डालनी है और किसी 3 पर भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गई, तो जो आपका जो चैनल है वो चैनल ही डिलीट हो जाएगा यूट्यूब की तरफ से। तो दोस्तों, कॉपीराइट क्लेम से आप बच सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक से आप नहीं बच सकते। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आपका कंटेंट आपका खुद का ओरिजिनल है और बाय मिस्टेक किसी ने उस पर क्लेम कर दिया है, तो आप उसको रिव्यू के लिए डाल सकते हैं, यूट्यूब उस वीडियो को दोबारा से रिव्यू करेगा, पूरी वीडियो को उसकी जो AI सिस्टम है वो मैच करता है कि यह आपकी असली वीडियो है या आपने किसी की कॉपी करके डाली है। तो अगर आपकी वीडियो ओरिजिनल है तो कॉपीराइट स्ट्राइक उससे हट जाएगी, लेकिन अगर आपकी वीडियो किसी से कॉपी करी हुई है तो स्ट्राइक वो बनी रहेगी। और 3 महीने में अगर आपको 3 स्ट्राइक मिल गई हैं, तो आपका चैनल टोटली यूट्यूब से डिलीट हो जाएगा, आपको फिर अपना कभी नया दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा, फिर दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जब भी आप नया चैनल बना रहे हैं, कोशिश कीजिए कि कॉपीराइट स्ट्राइक तो बहुत दूर की बात है, आपको कॉपीराइट क्लेम भी ना मिले। जो भी कुछ हो अपना कंटेंट डालिए, अगर आप थोड़ा बहुत म्यूजिक डाल देते हैं तो बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कॉपीराइट फ्री हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं
जो आपको बताते हैं कि कहाँ से आप कॉपीराइट म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं या कुछ क्लिप्स या फोटो आप कॉपीराइट फ्री डाउनलोड करके अपने वीडियो में एडिटिंग में उसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कॉपीराइट क्लेम से भी बचना है, कॉपीराइट स्ट्राइक से तो आपको बचना ही बचना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने आपको बताना चाहा है वो आपको समझ में आया होगा। जो भी कोई नया चैनल बना रहा है आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वो चैनल पहली बार आप आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपको इसी प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी।